हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सविता खन्ना, आपकी कक्षा 5 की हिंदी टीचर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 16, मेरा देश, जो कि कविता है। कविता का नाम है मेरा देश। इस पार्ट को पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हमारे देश में जो महान लोगों ने जन्म लिया है, वो किसी कुछ के नाम बता सकते हैं आप? चलिए मैं बताती हूँ। पुरातन काल से वर्तमान काल तक अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जो कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, तो ये सब जो हैं हमारे देश में जन्मे हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति और सभ्यता से हमारे देश को अपने ज्ञान दिया है और पूरे विश्व में इसको जो प्रसिद्ध किया है, किसको? सभ्यता और संस्कृति को। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। यही वह धरती है जहाँ पर पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान किया गया है। आइए आज हम पाठ 16 पढ़ते हैं। आपका पेज नंबर है 133। वही देश है मेरा, वेद मंत्रों से गूंजा है जिसका अंबर नीला, जहाँ राम घनश्याम कर गए युग युग अद्भुत लीला, जहाँ बांसुरी बजी ज्ञान की जागा स्वर्ण सवेरा, वही देश है मेरा। वही देश है मेरा यानी कि वही देश मेरा है जहाँ पर वेद मंत्रों से गूंजा हुआ है, यानी कि जब यहाँ पे हवन पूजा पाठ होते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो वेद मंत्रों के उच्चारण से हमारे देश में की जो है गूंजते हैं सभी। आज भी जब पूजा पाठ करते हैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो हवन किया जाता है तो उस हवन के हवा जो है पूरे आसमान में फैल जाता है, जिसका अंबर नीला है, परंतु हवा जो धुआं जाता है उससे आकाश का जो रंग बदल जाता है वह भी पूरा सफ़ेद हो जाता है। जहाँ राम घनश्याम कर गए, जहाँ पर राम घनश्याम यानी कि कृष्ण भगवान, जहाँ पर युग युग में अद्भुत लीला कर गए यानी कि अनोखी लीलाएं करके गए हैं, जो लीला आज भी हम देखते हैं, यानी कि घनश्याम की रास लीला, राम भगवान की भी लीलाएं जो आज भी हम देखते हैं, जहाँ बांसुरी बजी ज्ञान की जागा स्वर्ण सवेरा, जहाँ पर बांसुरी बजी ज्ञान की यानी कृष्ण भगवान ने अपने ज्ञान रूपी बांसुरी से बजाकर यहाँ पर जो सुबह जो है सोने के समान सुबह हमेशा जगती है, वही देश है मेरा यानी कि वही मेरा देश है जहाँ पर इन सब ने अमान विभूतियों ने जन्म लिया है। आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं। जहाँ बुद्ध ने सत्य अहिंसा का था अलख जगाया, गुरु नानक ने विश्व प्रेम का राग जहाँ सरसाया, मेर तेर का भेदभाव का मन से मिटा अंधेरा, वही देश है मेरा। यानी कि जहाँ महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाकर अलख जगाया, यानी कि गुणों के प्रति हमारी जागरूकता दिखाई कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और अहिंसा रूप से रहना चाहिए, यानी कि मार काट नहीं करनी चाहिए, हमेशा शांति से रहना चाहिए। गुरु नानक ने विश्व प्रेम का, गुरु नानक ने पूरे संसार का प्रेम सरसाया, यानी कि अब पूरे संसार में विश्व प्रेम को अपनाया कि हमेशा आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। मेर तेर का भेदभाव का मन से मिटा अंधेरा, मेरा तेरा, ये तेरा है ये मेरा है, इन सब का भेदभाव यानी कि भेदभाव को हटाकर मन से अपने अंधेरे को हटा देना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा है ये तेरा है, ये भेदभाव जो है आपस में मनमुटाव पैदा करता है और प्रेम नहीं रहता है, इन सब को हटाकर प्यार से रहना चाहिए, वही देश है मेरा। आगे है, जहाँ विवेकानंद सरीखे हुए तत्व के ज्ञानी, राम तीर्थ के अधरों पर थी जिसकी अमर कहानी, जिसके कण कण में लेता है सूरज नित्य बसेरा, वही देश है मेरा। जहाँ पर विवेकानंद जैसे लोगों का जन्म हुआ है, जिन्होंने ज्ञान दिया है, राम तीर्थ के अधरों पर थी जिसकी अमर कहानी, राम तीर्थ जो जिनके होठों पर हमेशा देश की अमर कहानी रही, देश के लिए उन्होंने हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताई, तो जिनके कण कण में लेता है सूरज नित्य बसेरा, जिसके कण कण में सूरज नित्य होता है रोज बसेरा लेता है, जिसके कण कण यानी कि जिनके कणों में हमेशा सूरज रोज बसेरा लेता है, अलग नई सूर्य की उदय होता है, तो हमारे को नए आज हम सोचते हैं कि आज जैसे सूरज नया उगता है उसी तरह से हमारे अंदर भी जो हम सुफूर्ति का संचार होता है। आगे, वही देश है मेरा।
ज्ञान बुद्धि विद्या बल वैभव जिससे पाते, जिसकी पावन गौरव गाथा शेष भारती गाते, जिसके अंचल में है अंचल में जीवन है नव सुषमा का डेरा, वही देश है मेरा। ज्ञान बुद्धि विद्या बल वैभव, यानी कि ज्ञान बुद्धि विद्या पढ़ाई शिक्षा, बल बलशाली बलवान ताकत वैभव खुशहाली जिससे हम पाते हैं, जिसकी पावन गौरव गाथा जिसकी पवित्र गौरव गाथा शेष भारती गाते, जिसकी पूरे भारत के लोग जिसकी पवित्र गाथाएं गाते हैं कि किस तरह से जिन लोगों ने यहाँ पर रहकर हमारे देश को आज़ाद कराया उनकी गौरव गाथाओं को गाया जाता है, जिनके अंचल में है जीवन है, जिसके आंचल में हम सबका जीवन है नव सुषमा का डेरा, जहाँ पर नई आभा का डेरा होता है, नई आभा यानी कि नई सुबह रोज आती है, वही देश है मेरा। यह है आपका कविता मेरा देश जो हमने पढ़ी है, जिसको लिखा है शंभुनाथ शेष कवि ने, ठीक है। ये आपको पाठ समझ में आया होगा तो ये इस पाठ को आप पढ़ना और समझना, नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर पूछना, ठीक है। थैंक यू।